मैंने इसी बात को इस तरह से लिख दिया, मतलब समझ में आ गया। चलिए कितम ध्यान दो, ध्यान दो, गेट वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर -5 -3i, इसका निकालना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स देने का मतलब -1 पावर में, तो क्या होता है फॉर्मूला का, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर। बताओ ऊपर में क्या लिखेंगे, -5 + 3i, कंजुगेट का मतलब i का गुणा आई, ए, और भाई रूट अंदर मैंने स्क्वायर हट गया, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और सीधे -5 का स्क्वायर ++25 + 3 का स्क्वायर बनेगा -5 के 34 + 3 के बराबर में 34 i हो गया। बताओ पता है सर हमसे पूछते नहीं है, ऐसी खाली बातें यस करिए सर करवा देगा दोस्तों। 1 -1 + i, तो जेड टू का इनवर्स बताओ कौन इनवर्स निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव बोलो, ऊपर में क्या लिखेंगे बोलो, देख जरा बीच वाला किसी को बदलना बोल, -1, अब बोलो इसका स्क्वायर करो और आई का गुणा का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर करो वन, अभी जो लेके प्लस करता है वन वन है, दूसरा स्क्वायर वन, -1/2, -1/2i, और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कौन है ये छात्र और छात्राएं जिनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक एनीबॉडी, सबको कोई तकलीफ, इस वजह से सबको सब पर ऐसी कृपा शक्ति बनाए। ये मेरा बिजनेस जो है, ये जो बिजनेस ही रहता है मामले, इतने कम नहीं कर सकते, मान लो तुम लोग बड़ा होगा थोड़ा सा और शादी हुआ होगा बाल हो जाओ फिर वहां पर अरे बुला उस समय तक थियोर फैक्टर कोई और लेवल पर आएगा, पता नहीं उड़ेगा 2025 या 2026 में देखते हैं क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग कम से कम 5000 स्टूडेंट को तो क्या प्रैक्टिस करने वाला बिल्डिंग जरूर है, एक जगह जहां पर 10000 20000 स्टूडेंट खड़ा हो, बिजनेस देखता है ये जो जनरेशन में यहाँ चल रहा है ना, बाल बच्चा वाला जनरेशन चलना चाहता हूँ, कितना कैंडिडेट का जो है स्टूडेंट का उसका बाल बच्चा पढ़ने में यहाँ स्कूल में आकर वो इसलिए तो डाल दिए, सदमा करके पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो जाएगा, ये से डाल देते बच्चा जन्म लिया तो 3 साल के बाद एडमिशन, और कुछ सालों के बाद अगर ऐसा रहेगा तो कुछ 10 4 को डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाएंगे, नहीं कितना कितना दूर तुम लोग जाएगा, कितना दूर जाएगा, मान लो 50 किलोमीटर नहीं चलो 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर सब आएगा, सब कह रहे हम लोग तलवार चला दो के कोई नाम नहीं पा रहे, ये वो खड़े ना मारते हैं तो ठीक हो है ना, तो ठीक है चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकाल सकते हो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, किसी और बाई में क्या करेंगे मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस स्क्वायर आगे क्या है देखिए दोस्त, चलिए जी अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ रहा है, Z1 × Z2 + Z3 को लिख सकते हैं, Z1 × Z2 + Z1 × Z3, क्या दिक्कत है बताओ, Z2 को हम लोग बना के दे बड़ा, ये से तो गुना हो सकता है, पता है कि ऐसे लिखा रहेगा ना, पता कितना अच्छा है, देखिए कि सर 5 + 3i लिखा हुआ है, ऐसे गुना कर दीजिए इसको, इसलिए गुना है 10, इससे इसमें गुना 6i, हमको बिल्कुल समझ रखा है गुना कर दीजिए, हम कहा लिख रहे हैं इसको बोलते हैं कौन सा दौर है डिस्क्रीट, ये कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, ये हो सकती है
बी। और एक्सरसाइज आप लोगों दिए थे, एक्सरसाइज अगर कल दिए थे आज को पक्का है कि बना के लगेगा, मैं कल बना दे रोज को बना के लगेगा, बना दिए पूरा बन गया। सुनिए कुछ रिजल्ट यहाँ दिया गया है, ध्यान दो। अजय बताओ गेट कंप्लीट नंबर है उसके ऊपर एक लाइन दिया गया है, इसका मतलब कंजुगेट, फिर कंजुगेट निकालेंगे तो वही कंप्लेक्स नंबर बन जाएगा। जैसे आपसे दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का कंजुगेट किसके बराबर था कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो एक बात दिखा गया जेड प्लस जेड वन जेड का कंजुगेट किसके बराबर, देखो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, जेड का कंजुगेट निकालो ए माइनस आई बी, बताओ किसके बराबर हो रहा है, इसका कब जाएगा टू ए के बराबर, जेड प्लस जेड का कंजुगेट किसके बराबर, रियल पार्ट ऑफ जेड के दुगुना, रियल पार्ट ऑफ जेड का दुगुना, बिल्कुल सही है। उसी तरह से यहाँ सब बात दिखा गया है, जेड माइनस जेड का कंजुगेट यहाँ पर होगा क्या चीज, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ऐसे नहीं भेजिए आप चलिए जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री माइनस फाइव आई। अब एक बात क्या था ध्यान हेलो एड वाला फोन मांग गया, जेड और जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करेंगे कंजुगेट तो रियल नंबर जो भी होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका दुगुना हो जाएगा, ठीक घटाएंगे तो क्या होगा, चलिए कंजुगेट क्या होगा, तो थ्री माइनस फाइव आई प्लस फाइव आई घटाओ, घटाने का मतलब समझ लो माइनस कर लेते तो यहाँ माइनस होगा ये कट जाएगा ना, यहाँ पर जेड माइनस जेड का कंजुगेट बराबर क्या, दोनों में माइनस पांच है, माइनस पांच माइनस पांच माइनस दस, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन प्लस, अरे जोड़ने में तो वैसा भी ना होगा, नहीं 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 आई आई हो गया तो आई रहेगा माइनस टेन आई, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं दुगुना दुगुना माइनस टू टाइम्स माइनस करेगा ये, मतलब दुगुना सीधे कौन है दुगुना होगा, दुगुना होगा टू टाइम्स होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड वन, इमेजिनरी पार्ट जो भी होगा उसका दुगुना हो जाएगा। सेम बात यहाँ पर जोड़ने में रियल पार्ट का दुगुना होगा, घटाने में इमेजिनरी पार्ट का दुगुना। अब गुना जब कोई कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कंजुगेट के साथ इसको गुना करो ये क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा, बस याद रहेगा। अच्छा मॉडुलस के स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस थ्री, मॉडुलस के स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस थ्री, जेड और जेड का कंजुगेट को अगर हम जोड़कर जीरो आया ये तभी पर पॉसिबल है जब जेड की ओर में इमेज नहीं होगा, इसका कोई एग्जांपल भी तुम लोग समझ के सोच कर देखना, कोई दिक्कत आएगा तो बोलना। अगर जेड वन और जेड टू जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे पर कंजुगेट है इस ये बराबर होगा जेड वन का कंजुगेट प्लस जेड टू के कंजुगेट, देखो ना तीन घंटा में तो ये स्थिति हो जाता। अगर बीच में माइनस का भी साइन दिया है जेड वन माइनस जेड टू का कंजुगेट ये बराबर होगा जेड वन के कंजुगेट माइनस जेड टू के कंजुगेट, प्रोडक्ट में भी रहे जेड वन माइनस जेड वन इंटू जेड टू का कंजुगेट पूरे पर जेड वन का कंजुगेट इंटू जेड टू के कंजुगेट के बराबर, ठीक यही भाग में भी वही बात होगा। बस मैंने वो सारा बात बता दी और यहाँ पर कुछ बात भी दिया जेड वन और जेड टू, जेड वन और यहाँ पर लिखा है कि जेड और जेड का कंजुगेट को गुना करोगे जेड के मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर होता है, जेड का मॉडुलस निकालोगे चाहे जेड के कंजुगेट का मॉडुलस निकालोगे चाहे चाहे क्या हुआ माइनस जेड का मॉडुलस मॉडुलस निकालोगे सब सेम, अगर जेड का कंजुगेट कंजुगेट इन मॉडुलस जीरो हो रहा है वो तभी संभव है जब जेड जीरो,
ये सब रिजल्ट है, आप इसको समझ के आपको ध्यान से कॉलेज समझ कर आना है, उसके बाद अगर किस तरह का प्रॉब्लम परेशानी आएगा तो वो मैं बाद में वीडियो ये समाप्त होता है। सब्सक्राइब आ जाना नहीं।